यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और गोहाना से भी इस तरह की खबर सामने आई है, जहां पर कई खेतों में आग लगी है, कई एकड़ जो फसल है वो जलकर यहां भी खाक हुई है। कई गांव के खेतों में ये आग लगी थी, क्या कारण रहा है ये निकलकर फिलहाल तो सामने नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि सैकड़ों एकड़ से ज़्यादा जो गेहूं की फसल खड़ी थी और जो फाने थे यहां भी जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। लाखों रुपए की फसल जलकर यहां पर खाक हो चुकी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल यहां भी जो है पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की जो एक गाड़ी है उसके होने से भी आग बुझाने में दिक्कतें आ रही थी, यानी कि फायर ब्रिगेड की एक ही गाड़ी जो है आग पर काबू पा रही थी। सुनील जिंदल गोहाना से खबर तक संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद है। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल कितने नुकसान का आकलन किया जा रहा है और कितने किसानों को ये नुकसान हुआ है? बिल्कुल, देखिए अभी तक आग जो है लगी हुई है कई गांवों में, यहां आग की सूचना मिली हुई है, क्योंकि देखिए गोहाना के आसपास काफी बड़ा क्षेत्र में गेहूं की फसल पैदा होती है। अभी जो सूचना मिल पा रही है गोहाना, उल्हाना, मदीना, चुटनाना, सामड़ी, कटेरा समेत कई गाँव के खेतों में जो है 100 एकड़ से ज्यादा जो किले हैं वहां उनमें आग लगी हुई है। अगर बात करें तो किसानों को जो है कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि गोहाना जो फायर ब्रिगेड है उसके पास जो है दो ही गाड़ियां हैं, जिसमें से एक गाड़ी कल से खराब है और एक गाड़ी जो है सभी जगह। सुन लिए, लापरवाही का ही मामला कहेंगे, क्योंकि इस तरह के जो हालात बनते हैं हर साल देखने को मिलते हैं कि जो फसलें हैं वो जलकर खाक हो जाती हैं, कई मामले सामने आ भी जाते हैं, लेकिन ये लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से किसानों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है खेतों में आग लगी है, क्योंकि उनके खेतों के ऊपर से जो है हाई वोल्टेज की बिजली की तारें गुजरती है, जो इस समय जो है आंधी और हवा तेज हवा चल रही है, जिसके वजह से जो तार है जो लूज होने की वजह से आपस में टकरा जाती है, उनमें चिंगारी पैदा हो जाती है और जो चिंगारी जो है ना खेतों में जा पड़ती है, जिससे जो है जो खड़ी फसल है उनकी काफी नुकसान जो है हर साल किसानों को झेलना पड़ता है। कई बार अधिकारियों से कहने के बावजूद भी जो है अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, लेकिन हर साल जो है किसानों को कहीं ना कहीं लाखों रुपए का नुकसान यहाँ उठाना पड़ता है। यही हालात जो है अभी देखने को मिले हैं कि गोहाना के अगर बात करें तो कई गाँव में जो है आग लगी है। आग लगने से अगर बात करें तो एक ट्रैक्टर ट्रेली और इसके अलावा एक हाइड्रो जो मशीन है वो भी जल गई है, करीब 100 एकड़ जो फसल किसानों। सुनील, क्या आग पर फिलहाल पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, देखिए अभी अधिकारी लगे हुए हैं, कई गांव का अलग अलग मामला है और देखिए अभी किसान भी जो है अपने तरफ से आग बुझाने में का प्रयास कर रहे हैं। कई गांव में जो है अभी भी आपकी सूचना मिल रही है। तो जो और भी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पर पहुंच रही हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का ये कहना है कि सोनीपत और सोनीपत के अलावा रोहतक से भी जो है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों संपर्क किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो वहाँ भी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की शॉर्टेज होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। और शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। यानी कि जो आग है फिलहाल भी लगी हुई है और जो किसान है, जो गांव के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आग पर किसी तरह से काबू पाया जाए। फिलहाल भी आग लगी हुई है यहां पर, लेकिन हैरानी की बात है कि इस तरह के मामले हर साल देखने को मिलते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की सिर्फ एक ही गाड़ी मौके पर पहुंची, दूसरी खराब थी और कुल मिलाकर दो ही जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो गोहाना में मौजूद थी।